बस एक ही बात बोलूंगा, आप छोटे भाई हो, थोड़ा सा कम बोला करो। 100% टके की बात कही है योगी जी आपने, वाकई में मैं आपके बात पे सहमत हूँ। तो दोस्तों आज मैं टेक चैंपियन सपोर्ट यूट्यूब वाले बाबा का जितना भी मकर फरेब झूठ है सारा इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं उनके अंधभक्तों यानी उनके चमचों से कहना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये स्ट्राइक यूट्यूब वाले बाबा टेक चैंपियन सपोर्ट के चैनल पर, ये स्ट्राइक दिया यूट्यूब ने। हाँ, स्ट्राइक ही दिया है, क्यों दिया है वो भी बता दो जाहिल बाबा साहब। ये देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा कंटेंट रिमूव कर दिया। बिल्कुल, आप सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे थे, अगर ऐसा नहीं होता तो आप थंबनेल पर इतनी गंदी फोटो ना लगाते। हमने अभी कुछ दिन पहले एक आवाज उठाई थी दोस्तों। जाहिल बाबा, इसे आवाज उठाना नहीं कहते, इसे व्यूज छापना कहते हैं। अगर आवाज उठाते तो यूट्यूब टीम को आप ट्वीट करते और ऑडियंस से कहते कि इसे रीट्वीट करो, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया। यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो चल रहे थे, YouTube पर बहुत अच्छे वीडियो चल रहे थे जो YouTube को पॉन। आपने तो लिखा था कि YouTube बंद होगा, लेकिन YouTube ने फिर आपके साथ क्या किया, ये टेक्निकल कौशल बताएंगे। टेक चैंपियन सपोर्ट के मुंह में YouTube ने ऐसा मूता है कि टेक चैंपियन सपोर्ट बिलबिला गया पूरी तरह से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये बताते हैं कि मैं YouTube का बाबा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं YouTube के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अरे घंटा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे चैनल पर पता नहीं कितनी बार स्ट्राइक आ चुकी है और तुम्हारी वीडियो पता नहीं YouTube ने कितनी बार डिलीट कर दिया है। तुम्हें आज तक सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला, गोल्डन प्ले बटन नहीं मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें घंटा कुछ नहीं YouTube के बारे में पता। फालतू में ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाओ कि मैं YouTube वाले बाबा हूँ, YouTube का सारा कुछ जानता हूँ, YouTube के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। बस आप YouTube पर जो भी करते हो अपने फायदे के लिए करते हो, अब बाबा आपकी मदद करेंगे, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो सुन लो। अब आपकी अर्जी स्वीकार कैसी होगी, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो समझिए। आपको हमारे चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे चैनल का जो स्क्रीनशॉट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारे चैनल इस टेक चैंपियन सपोर्ट को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है टेक चैंपियन 123, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक लास्ट कंडीशन है कि हमारा एक और फेसबुक पेज है टेक चैंपियन सपोर्ट के नाम से, और फेसबुक पेज पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा हमारे पेज को, और सोशल पेज फॉलो करके उनका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, और कोई भी चैटिंग नहीं करनी है। आप सबको इनका चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, वीडियो देखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, इंस्टा पर फॉलो करना होगा, फेसबुक पर फॉलो करना होगा, टेलीग्राम पर फॉलो करना होगा, ट्विटर पर फॉलो करना होगा, लिंक्डइन पर फॉलो करना होगा, कोरा पर फॉलो करना होगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बाबा ने एक चैनल बनाया था होप टॉक, फिर लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया, लोगों ने भीख नहीं दिया, बाबा ने चैनल बंद कर दिया। बाबा का चैनल बनाने का मोटिव था लोगों की हेल्प करना, हकीकत तो ये थी कि आप इसके जरिए यूट्यूबर से एक बड़ी रकम लेना चाह रहे थे। आप सोच रहे थे कि लाख दो लाख यूट्यूबर है, अगर कुछ कुछ फंड करेंगे तो हमारा अच्छा खासा और मोटी रकम मिल जाएगी, और इसीलिए आप सोच रहे थे कि ये चैनल बनाया जाए, और ऐसा नहीं हुआ आपके हिसाब से, आपने इसे छोड़ दिया। क्यों, 4 महीने हो गए कोई वीडियो नहीं आ रही है, व्यूज भी अच्छा आ रहा था, इससे अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही थी, आप सोच रहे थे कि लोग फंड करेंगे, और लोगों ने फंड नहीं किया, क्योंकि उससे लोगों का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अंशु मौर्य बहुत बड़े धुरंधर बन रहे हैं, इनको देखो धर्मेंद्र सर क्या बता रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं आज 11 साल से YouTube पे हूँ और YouTube पे शिक्षा दे रहा हूँ लोगों को। या यूं कहिए कि जब आपके ये मनोज डे या फिर यूट्यूब वाले बाबा जो है दिख नहीं रहे कहीं, यूट्यूब वाले बाबा, उस समय जब हम चैनल की शुरुआत किए थे तो पैजामे का नाड़ा नहीं बांध पाते थे। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे सामने भरी ऑडियंस में धर्मेंद्र सर ने कहा था कि तुम्हें नारा बांधने की तमीज नहीं थी, तब से मैं YouTube पर हूँ, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा मैं YouTube वाले बाबा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे तुम तो एक बरसाती मेढक की तरह हो, जरा सा बारिश क्या देखी टरटे करने लगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर देखा जाए तुम्हारे चैनल पर ना, तो तुम्हारे चैनल पर या तो मनोज दे या सौरभ जोशी, मनोज दे सौरभ जोशी, कभी कभी तो लगता है ये चैनल सौरभ जोशी और मनोज दे का है, तुम्हारा है ही नहीं। YouTube वाले बाबा के चैनल पर स्ट्राइक आया, आपको सीखने को क्या मिला, क्या मिला सीखने को, पता है आपको कि YouTube पर वीडियो नहीं, अब हमारे थंबनेल पे भी स्ट्राइक आ सकती है और आएगी।
ये बात टेक्निकल योगी ने 3 साल पहले बता दिया था, तुम्हें अब सीखने को मिला है। और हम लोगों को बहुत दिन पहले पता चल गया था कि थंबनेल पर भी स्ट्राइक आ सकती है। आपके थंबनेल पे न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, कोई वैसे लड़की का फोटो लगा दिया, मतलब अश्लील सा, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। इसके जब तुम्हें नहीं पता कि थंबनेल पर स्ट्राइक आ सकती है तो टेक्निकल योगी से पूछ लिया करो, धर्मेंद्र सर से पूछ लिया करो, या फिर आओ मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की कॉमेडी गाइडलाइंस के रूल क्या है। हमारे चैनल पर 300 से ज्यादा वीडियो है, एक भी कॉपीराइट क्लेम नहीं, एक भी वार्निंग स्ट्राइक नहीं, एक भी स्ट्राइक नहीं। आओ मैं आपको सिखाता हूँ यूट्यूब के क्या रूल्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, और ये अपने आप को बताता है कि मैं गुरु हूँ, यूट्यूब का गुरु हूँ मैं, और बच्चों को जुआ खेलना सिखाता है। जहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि लूडो तो बहुत सारी ऐप है, लेकिन इस पर एक सिलेक्ट प्लस का नया कॉन्सेप्ट आया जिसका इस्तेमाल करके आपको प्रीमियम बेनिफिट मिलेंगे। जहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस होगी जिस भी गेम की, उस पर आपको ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि मान लो अभी समझ में, पूरा वीडियो देखना वरना मिस कर जाओगे क्योंकि मैं आ जाएगा, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेरे रेफर कोड से ही डाउनलोड करना। ओटीपी के बाद यहाँ पर रेफर कोड डालना पड़ेगा, वो मेरा वाला रेफर कोड डालिएगा, किसी और का मत डालिएगा। आप मेरा रेफर कोड डालेंगे तो आपको फायदा होगा, जिससे अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। इनका रेफर कोड डालोगे तो आपका फायदा होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? YouTube वाले बाबा आप अपने कमेंट भी चेक कर लिया करो, वहाँ पर भर भर के गालियाँ तुमको मिलती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने आपके एक वीडियो की लिंक भेजी और बताया कि देखो ये बता रहे हैं कि वीडियो देखकर पैसा कमाया जा सकता है, और जब उसके कमेंट के अंदर गया तो वहाँ पर लिखा था कि घर वाले ने मना कर रखा है कि जमानत नहीं करवाएंगे, वरना लिखने को तो बहुत दिल कर रहा था। अरे उस पर 200 लाइक थे, मतलब आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो, अपने आप को यूट्यूब गुरु कहते हो, यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर कुछ पता होता तुम्हारा चैनल पर स्ट्राइक नहीं आती, आप थंबनेल ब्लर कर देते। आप बोल रहे हो कि मैं यूट्यूब से अश्लीलता को मिटाने चल रहा हूं, आप खुला यूट्यूब थंबनेल में दिखा रहे हो, सोच रहे हो कि किसी तरह हमारे चैनल पर व्यूज आ जाए, आप व्यूज के लिए सब वीडियो बना रहे हो, कुछ किसी के लिए तुम नहीं बोलते हो। अभी दिल्ली में हाल ही में एक इवेंट हुआ था जिसमें यूट्यूब वाले बाबा को भी बुलाया गया था, यूट्यूब वाले बाबा को माइक ही नहीं दिया गया, ये जबरदस्ती माइक पकड़ के शायर बोल रहे हैं, देखें आप। थैंक यू सो मच सर, टाइम की बहुत लिमिटेशन है, बस जस्ट एक अवार्ड सेशन लास्ट करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं जी, है ना? चलिए जी जल्दी करिए, अवार्ड टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फटाफट अवार्ड लेके आए, और मैं अमरेश भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी पूरी पैनलिस्ट टीम को सम्मानित करें। हाँ भैया बताइए, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खुश कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और YouTube वाले बाबा, न तुम सदमे हमें देते न यू बदमारा आइया होती, न तुम सदमे हमें देते न यू बदमारा आइया होती, न खुलते राज सर बस्ता न यू रुसवा आइया होती। वैसे मैं इस तरह के वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कभी मिस्टर इंडियन हैकर, कभी सौरभ जोशी, कभी मनोज दे, सबको दस बाई दस के कमरे में बैठ कर भोंकते थे, तो मैं सोचा आपको जवाब देना जरूरी है। और हाँ YouTube वाले बाबा, ये मेरी लास्ट वीडियो नहीं है, आपकी हरकतें अगर ऐसी रही तो मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, आपको चैलेंज करता रहूंगा। और मैं अपनी बात को 2 लाइन के साथ खत्म करता हूं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, देख आगे आगे अभी होता है क्या। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।